हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ब्लॉक बहादराबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने नामांकन स्थल पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने नामांकन स्थल के यहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए जानकारी दी कि यहां पर एक दिन पहले CDO की तरफ से भी सभी जगहों पर निरीक्षण कराया गया था। सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 दिन की प्रक्रिया अब नामांकन के लिए निर्धारित की गई है। प्रत्याशी अपने नामांकन 3 दिन के भीतर करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है, हमारा प्रयास है कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएं, जिसको लेकर हमारी ओर से सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम कर लिए गए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर नामांकन के बाद आचार संहिता के चलते आदर्श आचार संहिता के तहत यहाँ पर सभी RO SDM कुछ सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं और लगातार प्रशासन सतर्कता से काम कर रहा है। और कल हमारे CDO साहब ने सभी 6 ब्लॉकों का खुद व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी। बहादराबाद ब्लॉक में जहां मैं मौजूद हूं, यहां कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त व्यवस्था है। पुलिस बल की भी और हमारे सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं।